विजुअल एम्पेयरमेंट इसमें स्टूडेंट्स विद विजुअल एम्पेयरमेंट्स हैव डिफ़िकल्टी सीइंग इवन विद करेक्टिव लेंसेज तो इसमें इनको जो है वो देखने में मसला होता है और बाजूक़ात इसकी भी माइल्ड मॉडरेट और स्वीर कंडीशन हो सकती हैं कुछ की आई आईसाइट जो है वो लेंजेस के साथ इम्प्रूव हो जाती है कुछ जो है वो बिल्कुल uh, बहुत ज़्यादा उनको इशू जो है वो होता है देखने में तो मोस्ट कॉमनली द डिफ़िकल्टी हैज़ टू डू विद रिफ्रैक्शन अब बेसिकली इशू जो इनको देखने का तो हो रहा होता है लेकिन बेसिकली किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस करना जो है वो इनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करता है और ये अपनी आँख को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो फोकस करने में बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो इसमें फिर ये लाइट से ओवरली सेंसिटिव भी हो जाते हैं और जैसे ही लाइट आती है तो एकदम से आंखें बंद कर लेते हैं या फिर लाइट जो है उसको फ़ौरन कम करने की जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं और इसमें ज़्यादातर डिपेंड करता है कि उसकी एक्सटेंट कितनी है विजन एम्पेयरमेंट की जो है एक्सटेंट कितनी है आया वो माइल्ड है या मॉडरेट है या स्वियर है तो उसके अकॉर्डिंग जो है इस एम्पेयरमेंट को जो है वो देखा जाता है और घरों में अक्सर आपने देखा है आजकल बच्चों को छोटी छोटी उम्रों में एनके लगी हुई हैं उसकी वजह से उनका लॉन्ग इंट्रेक्शन जो है वो मोबाइल्स के साथ तो मीडिया के साथ जो उनका इंट्रैक्शन है उस वजह से लॉन्ग आवर्स के लिए वो उनके साथ बिज़ी होते हैं और चूँकि बच्चों की ग्रोइंग एज है उसमें उनकी बाकी बॉडी के जब ऑर्गन्स जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे होते हैं या ग्रो कर रहे होते हैं इसी तरह उनकी विजन जो है वो भी इसी तरह से उनके साथ साथ जो है वो इम्प्रूव होती है तो जब उनको अर्ली एज में ही इस तरह की वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं लॉन्ग आवर्स के लिए तो उसके उनकी आईसाइट पर काफ़ी असर जो है वो बचपन में ही पड़ता है और बच्चों को इसलिए एनकें जो है वो लगी होती हैं लेकिन एनक के साथ बच्चे की विज़न जो है उसको वो मैनेज तो किया जा सकता है लेकिन ग्रेजुअली साथ साथ साइड जो है वो वीक भी हो रही होती है अगर उसके साथ क्रेक्टिव मेजर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ना लगाए जाएँ तो बैसे बेसिकली तो विजुअल एम्पेयरमेंट में भी बाजुकात हमने देखा है कि हेरिडिटी और इन्वामेंटल फैक्टर्स दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं और इन्वायरमेंट में जैसे आप जिस किस्म का इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करेंगे अगर वो लॉन्ग टाइम इंटरेक्शन उनका रहेगा किसी भी इन डिवाइसेस के साथ तो तब भी बच्चे जो हैं वो उनकी आईसाइट जो है वो सवेर हो सकती है इसके अलावा इसके अलावा अगर हेरिडिटी में बाजुका हमने देखा है कि पेरेंट्स को एनके लगी हुई हैं तो बच्चे हेरिडिटी में भी ये चीज़ें जो हैं वो लेते हैं तो ये विजुअल इम्पेयरमेंट जो है इसकी दोनों रीजंस हैं इसमें हेरिडिटी भी है और इन्वायरमेंट भी है अब इस विजुअल इम्पेयरमेंट को जब स्कूल में बच्चे आते हैं तो फिर इसकी भी एक यही तरीका है कि टीचर्स जो हैं इन बच्चों को एनकों से तो पहचान सकते हैं लेकिन जिस बच्चे को और पेरेंट्स को ये नहीं पता कि हमारा बच्चा जो है वो उसको ठीक से नज़र आ रहा है या नहीं या बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि हम बुक खोलते हैं तो हमें वर्ड्स नज़र नहीं आ रहे या वो ये कंप्लेंट करते हैं कि हम आपको देख रहे हैं या आपको दूर से आप हमें ठीक लग रहे हैं पास से ही जब इस तरह के कोई साइंस बच्चे आपके साथ शेयर करते हैं तो हमें समझ आती है कि उनकी विजुअल एम्पेयरमेंट जो है उसका इशू है तो विजुअल एम्पेयरमेंट जो है इसमें आ, आ, जो सबसे पहले उसकी रेमेडी तो ग्लासेस हैं अब उसके लिए प्रॉपर आपको चेकअप कराना चाहिए जाके कितना उसका नंबर है कितनी उसकी विजन है दूर की है नज़दीक की है ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों की हमें देखती रहने चाहिए लेकिन पेरेंट्स को इसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए बहुत अर्ली एज में और उनकी इंट्रैक्शन अपने बच्चों की मोबाइल्स के साथ लॉन्ग आवर्स में नहीं होनी चाहिए उसकी नस्बत उनको फिज़िकल एक्जर्शन या फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए क्योंकि वो बच्चे जो सिर्फ बैठे रहते हैं और बैठ के सिर्फ जो है मोबाइल देखते रहते हैं उनकी आप फिज़ीक देखें वो एक तो बल्कि हो जाते हैं उनके पूरी बॉडी का सिस्टम्स जो हैं वो स्लो हो जाते हैं दूसरा उनकी आईसाइट का जो मेन इशू अगर एक दफ़ा ये ऑर्गन ख़राब हो गए तो सारी ज़िंदगी इनकी जो है आपको मैनेजमेंट तो करनी पड़ेगी क्योर प्रॉपर जो है वो नहीं मिलता ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को काउंसिल भी करना चाहिए घरों में और पेरेंट्स जो हैं जब बच्चों को कोई एक्टिविटी दूसरी प्रोवाइड करेंगे तो तभी वो अपनी ये आई कॉन्टेक्ट वाला जो काम है ये वो कम करते हैं अगर बच्चों को कोई के पास एक्टिविटी नहीं है तो ऑब्वियसली डिजिटलाइजेशन का ये दौर है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपना बजाय प्रोडक्टिव चीज़ों पे स्पेंड करने के वो इसी तरह से कंप्यूटर्स और मोबाइल्स और वीडियो गेम्स और इन सारी चीज़ों पे वो मुसलसल मस, मसरूफ रहते हैं जब वो इन चीज़ों के साथ मसरूफ़ रहते हैं तो हमेशा ये सिर्फ आई साइट को डिस्टर्ब नहीं करती हैं चीज़ें बल्कि जो रेज़ हैं इसकी मोबाइल्स में से और कंप्यूटर्स में से निकलती हैं ये आपके ब्रेन जो है उसको भी जाकर डिस्टर्ब करती हैं और ब्रेन डिसफंक्शनिंग भी आती है इन रेज़ की वजह से इसलिए कितनी रिसाचिज़ हमारे सामने आई जिन्होंने कहा कि रात को सोने से पहले मोबाइल्स अपने तकियों से निकाल के उनको दूर रखें क्योंकि उनकी जो रेज़ हैं वो आपके ब्रेन को डिस्टर्ब करती हैं जैसे नींद ना आना या नींद का ज़्यादा आना या आपकी बॉडी पे कोई और इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी आ सकते हैं सो दैट्स वाई वी नीड टू जस्ट मॉडिफाई अवर इन्वायरमेंट टू जस्ट गेट रिड ऑफ दिस इम्पेयरमेंट इन अ मोर सिवियर मोड